हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में फाइनली अभी हम लोगों की बच गई है डिसिप्लिन वाले बंदों से। ड्रीम का फोन तो नहीं आया मेरे पास में अभी तक, बट वो जरूर मेरे को फोन करेगा और रोकी बोलेगा, ट्रेवर यार तूने क्या कर दिया यार, हमने प्लान बनाया था, प्लान के हिसाब से चलना था, सिर्फ डेविड को मारते और उसके बाद ये पूरी आर्मी हमारी हो जाती, तू आर्मी को कब मारता रहेगा तो डेविड तक कभी नहीं पहुंचेगा, वो यही बोलेंगे। बट मैंने बोला भाई क्या करें, जब सिचुएशन खराब होती तो ट्रेवर देखता नहीं है प्लान है क्या है, वो ही करता है जिसको अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे को ये अच्छा लगता तो मैंने किया, अब तुमको जो अच्छा लगता है तो करो, मेरा साथ देना दो, नहीं तो अपने प्लान के हिसाब से चलो, वो देख लेंगे। और अगर आप लोगों ने सुबह वाले एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो भाई कर लीजिए, चैनल नंबर 1 पर है, सेम सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, उसको देखिए आपको मजा आ जाएगा। तो फिलहाल चलिए गेम को शुरू करते हैं, और अभी थोड़ी जंग बाकी है। वैसे मैंने सुबह बहुत बंदों को खत्म किया था, बट पता नहीं भाई कुछ बंदा लगता है अभी बच गए हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई हमारे बहुत सारे बाल वाले बंदे मार दिए गए। पुलिस वालों का ही मेरे पास फोन आया है, उन्होंने मेरे को बोला है कि ट्रेवर तुम्हारे काफ़ी गैंग मेंबर जो है वो बस में यहाँ वहाँ जा रहे थे, घूम रहे थे, बस के ऊपर ही अटैक हुआ और बस पूरी पूरी पानी में गिर गई, एक दो बंदा ही बचा होगा, बस सारे मर गए। तो फिलहाल चलिए भाई, वो बस में इसलिए घूम रहे थे क्योंकि बस में ज़्यादा बंदे आते हैं और यहाँ वहाँ एक साथ घूमेंगे तो जल्दी दुश्मनों को मार सकते हैं, अकेला एक दो बंदा घूमेगा तो अकेला बंदा कमज़ोर होता है और अकेले बंदे को भाई कोई भी मार सकता है, इसलिए वो सारे सारे बंदे बस में घूम रहे थे। मैंने ही बोला था इकट्ठा रहना, एक साथ रहना, कम से कम 25 से 30 बंदे साथ घूमो, 25 से 30 बंदे साथ घूमोगे तो सामने वाले को डर रहेगा, क्योंकि भाई अकेला बंदा अकेले बंदे को थोड़ा अजीब पड़ता है, और ऊपर से सामने वाले बंदे 10 और आप अकेले तो थोड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, बट सामने वाले बंदे 10 और आप 30-40 तो फिर मज़ा आएगा लड़ने में, फिर सामने वाली पार्टी को डरना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं भाई कहाँ पर बस गिरी है, पहुँचता हूँ। अपना प्यारा ड्राइवर पहुँच चुका है भाई, गाड़ी तो ठीक ही सिचुएशन में है, कमाल की बॉडी है इस गाड़ी की, इतने ज़्यादा डैमेज इसने बर्दाश्त कर लिए अमेजिंग तरीके से, अच्छी गाड़ी है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था इसके साथ मैंने 3 या 4 RPG नहीं बोलूँगा, मतलब 3 या 4 इसके साथ मिसाइल्स मैंने लॉन्च करवाई और इस गाड़ी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। स्क्रैचेस तो देखो पड़ती पड़ती है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं पड़ी गाड़ी में, बम्पर इसके ऐसे ही है भाई, ऐसा मत सोचना बम्पर निकल गया, इस गाड़ी के बम्पर ऐसे ही है बस। तो पहुँचते जल्दी से जहाँ पर बस का एक्सीडेंट गया बंदों ने और बहुत सारे बंदे मार दिए। ड्राइवर निकल ब्रो, पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, ड्राइवर ब्रो पहुँचो पहुँचो। तो यहाँ पर बस का एक्सीडेंट किया गया है बेचारी का, आगे निकलता हूँ मेरे प्यारे बंदे, यार फिर मैं सर सर काम खराब हो गया। ड्राइवर ब्रो निकलिए 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 जल्दी से। ओके तो फिलहाल भाई यहाँ पर ये रही बस, बंदे भाई काफ़ी मर गए होंगे शायद से, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, निकालने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। निकालो भाई, दम लगाओ यार, मेरी बस को निकालो तुम जल्दी से और देखो कितने बंदे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, पता लग जाएगा। पानी का बहाव इतनी तेज़ है ना भाई, बंदा जो बचाओ को बह गया होगा पानी के बहाव में, अगर मैं गलती से गिर गया ना पानी में तो बहुत दूर चला जाऊँगा, पहले से ही बनता, मैं एक बार गिर चुका हूँ, मैंने आपको दिखाया था बहुत टाइम पहले, पानी का इतनी तेज़ बहाव होता है भाई, बंदा कितने दम लगा ले नहीं रुक सकता, मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल चलिए भाई अंदर चेक करता हूँ कितने बंदे हैं। अरे ड्राइवर ब्रो जंप लगाइए तो सही, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके कुछ बंदे यहाँ पर घायल है, कुछ बंदे यहाँ पर घायल है, काफ़ी बंदे हैं, अच्छी बात क्या है टीम टाइम पर पहुँच गई है। ये रैंडम पुलिस वाले बंदे हैं, ये देखो इनको नहीं पता भाई कौन माफिया कौन कुछ, ये तो सबकी हेल्प करते हैं, इनके हिसाब से सिर्फ एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ बंदे घायल हुए हैं, ये उनको बचाने आए हैं। ड्राइवर ब्रो पहुँचो, चलिए भाई चेक करता हूँ, ड्राइवर भाई जी चलिए 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 गाड़ी में बैठिए, बहुत बढ़िया, तो ठीक है पहुँचता हूँ भाई, चेक करते हैं बाकी मेरे बंदे कितने बचेंगे नहीं बचेंगे और ये इनके ऊपर हमला करने वाले कौन बंदे, मेरे को उनको जल्दी ढूंढ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जितने ही बंदे थे मैंने मार दिए थे सुबह ही, टेक्नो बोल रहा था ट्रेवर सारे बंदे मर चुके हैं, मुझे लगता है कुछ बंदे मिस कर दिए हम लोगों ने, क्योंकि तभी भाई सारे सारा काम हुआ है। पहुँचता हूँ जल्दी से और पता करता हूँ उससे सारी बातें। टेक्नो मुझे बोलता है ट्रेवर फटाफट से जा जल्दी से और सभी बाला वाले बंदों को वहाँ से बाहर भगा, क्योंकि एक जगह बहुत बड़ी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं थोड़ी देर में ही अभी, ये डिसिप्लिन वाले बंदे और सभी बाला वाले बंदे वहाँ पे मर जाएंगे, वो बंदे वहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए गए हुए हैं कुछ घूमने के लिए। मैंने बोला भाई तो जल्दी मेरे को बताओ, उनको भी बता फ़ोन करके, बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए मेरे को ही निकलना पड़ेगा, मेरी गाड़ी फास्ट है जल्दी मेरे को पहुँचा देगी, पहुँचता हूँ बाला वाले के पास, नहीं तो मिसाइल एक बार गिर गई ना सब बंदे दिए हो जाएंगे, जल्दी पहुँच ड्राइवर। मैं फाइनली टाइम पर पहुँच गया था, मैंने बंदों को तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया आकर के, एक ही मिनट के अंदर सारे बंदे निकल गए। मैंने बोला गाड़ी वाड़ी यहीं पर छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा गाड़ी है अपने अपनी गाड़ी जो थी उनमें से निकल गए, ये एक्स्ट्रा गाड़ी यहाँ पे खरीदने आए थे, सब बंदे भाग गए भाई, बस कुछ गाड़ी बच गई, क्योंकि बंदे इतनी स्पीड से भागे जब पता लगा मिसाइल गिरने वाली है तो बंदों को होश भी नहीं रहा, गाड़ी यहीं छोड़ गए आधे बंदे। तो अब जो बच गए बच गए, मैं तो एकदम से लेके नहीं जा सकता, क्योंकि भाई किसी मिनट में मिसाइल यहाँ पे गिर सकती है, ड्राइवर बन निकल तू भी। बट अच्छी बात क्या है, मैंने अपने बंदों की जान बचा ली सही टाइम पे पहुंच करके, नहीं तो मर जाते भाई और पूरी तरीके से मरते। मैं भी निकलता हूँ भाई, क्योंकि किसी वक्त भी मिसाइल का हमला हो सकता है, बंदे को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बंदे ने मुझे ऐसा लगता है ऑटो टारगेट लॉक करके रखे हैं, उन्होंने सोच के रखा है पहले से पहले कहाँ मिसाइल गिरनी है और टाइम पर सारी सारी गिर रही है,
बट मैं उनका हर बार टाइम फेल करा देता हूँ। ये वाली पहले मिशन पे फेल करवा दी, क्योंकि यहाँ पे बंदे तो एक भी नहीं है। गाड़ी तो ब्लास्ट होगी, हो जाने तो गाड़ी का कोई हमें इतना नुकसान नहीं होता। पैसा बहुत है ट्रेवर के पास में, गाड़ी वाड़ी छोटी चीज़ हम नहीं देखते, ध्यान नहीं देते। लो भाई फाइनली मिसाइल गिर चुकी है, मेरे को पता ही था जल्दी गिरने वाली है। अच्छा मैं जगह छोड़ करके बाहर निकला, वहाँ से कर दिया भाई, नेता बना दिया सही बंदों का। वैसे बंदे नहीं थे वहाँ पे, गाड़ी बेचारी चली गई। चलो ट्रेवर निकलो, हमसे पंगा लेने आए थे नमूने, उनका पता नहीं हम डिसिप्लिन वालों से कदम आगे चलते हैं। तेरे टैगलॉन के लोकेशन में ढूंढ करके निकाल देगा। और एलेक्स भी लगा हुआ है भाई, मैंने उसको बोल दिया कि यार तूने बोला था सारी मिसाइल्स ना हमने हैक कर लिए, वो दोबारा से अटैक नहीं कर सकते थे मिसाइल से। फिर ये क्या बदतमीजी चल रही है, मिसाइल्स कैसे अटैक कर रही है, ये काम खराब हो रहा है भाई सच्ची में, ये नहीं होना चाहिए था। जनरल का फोन आया दुखी आदमी का, आ गया फाइनली उसका फोन। अब मेरे को बोलेगा ट्रेवर फिर से क्राइम हो रहे लोथ थंडर्स पे, सुबह शाम मिसाइल गिर रही है, तुम ही कर रहे होगा। मैं बोलूँगा भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है सच्ची में, मैं तो शरीफ बच्चा हूँ, आप मेरे ऊपर फिली ऑफ ब्लेम डालते रहते हो, मतलब पूरे लॉस एंजेलिस मैं ही क्राइम करने वाला, और कोई भी तो कर सकता है। चैनल जाता हूँ नमूने को बोलता हूँ, ये नमूना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं मैंने क्या इसका बिगाड़ा हुआ है। मैं प्यार से चाहता हूँ सुधर जाए, संभल जाए, बात मान ले, बट मुझे लगता है ये दूसरे नंबर से मानेगा, और दूसरा तरीका ही मेरे को यूज़ करना पड़ेगा इसको सबक सिखाने के लिए। कुछ बंदे बेवकूफ़ होते हैं भाई, वो मैंने देख लिया। चलिए पहुँचता हूँ खैर जगह पर, पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर। हेलो बॉयज, ऐसे ही खड़े रहा करो, कुछ काम वाम तो करते नहीं हो, शहर में इतना क्राइम हो करके रखा हुआ है, आप कुछ करते क्यों नहीं जनरल? अच्छा आपने क्यों बुलाया मेरे को, पहले ये बताइए। इसको पहले आके बोल देता हूँ कि मतलब कि जनरल शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं, ताकि मेरे को बोल ही ना पाए कि भाई मैंने सारा काम किया है। मुझे बोलता है कि ट्रेवर यही बात मैंने बोलने के लिए तुम्हें बुलाया था, शहर में क्राइम बहुत हो रहे हैं, तुम्हारा कुछ लेना देना तो नहीं है। मैंने बोला ना जनरल ना, आप चाहे तो कैमरा चेक कर लो, मैंने भाई वहाँ पे सब कुछ चेंज करा के रखा है, कुछ नहीं मिलेगा इस नमूने को। सच्ची में जनरल मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत कर रहे हो। मेरे को तो इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ी माफिया है, डिसिप्लिन कुछ करके, मतलब गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन, कोई खतरनाक माफिया है, तो आप देख लीजिए कि सच्ची में उनका ही हाथ है नहीं है। मेरे को तो बस ऐसे सुनाई में आया कि वो ही कर रहे हैं सारा काम, बाकी जनरल आप समझदार हो, मैं तो बस यही बोलूँगा जो अच्छा काम है और जो सही है आप वही कीजिए, आप मेरे ऊपर ही क्यों शक करते हो हमेशा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बंदे के दिमाग में डाउट डाल दिया और थोड़ा डर गया डिसिप्लिन का नाम सुनते ही, इसका मतलब इसकी कमजोरी मेरे को मिल गई है। चंपू है ना, ये भी लगता है डिसिप्लिन से डरता है भाई, डिसिप्लिन का नाम सुनते ही चेहरा थोड़ा बदल गया था, मतलब कि गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन वाली माफिया से नया जनरल शायद डरता है। जब इसको पता लगा कि सारा अटैक वो कर रहे हैं तो ये लगता है कुछ नहीं करेगा, जो भी हो वो तो मैं देख लूंगा। बट अब अच्छी बात क्या है, मेरे ऊपर ही ब्लेम नहीं डालेगा हर बार, ट्रेवर तूने किया तूने किया, परेशान कर दिया इसने बोल बोल के। अब चीज के चक्कर में मेरे को बार बार बुला रहा था यहाँ पर। चलिए खैर निकलते हैं भाई, पता करते हैं टेक्नो भैया कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और हाँ भाई अपने टेस्टरी से बात करनी है मेरे को, आपको बताइए उनसे मेरे को रॉकेट तरह थोड़े सही करवाने, मिसाइल्स थोड़ी ठीक करवानी है जो ऑटो लॉक करके बंदों को ख़त्म कर दे, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं होगा। ए नमूने की एंट्री इतनी गलत हुई है, मतलब इस भिंडी बाजार के चोर को क्या बोलूँ मैं, इसको आना अभी ज़रूरी था क्या? ट्रेवर ब्रो यार तुम बिना, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, पहुँचते हैं। फिलहाल भाई मेरे पास कुछ FIU वाले बंदों का फ़ोन आया है, बंदे मेरे को बोल रहे ट्रेवर सर आपके लिए एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेकर के आए, जिससे जितने भी डिसिप्लिन वाले बंदे शहर में है ना अभी, इनकी कमर में दर्द हो जाएगा और गुस्सा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आपसे दोबारा से। मैंने बोला भाई ऐसे क्या पता लग गया, तो बंदे बोल रहे ट्रेवर सर आइए तो सही, जब तक आपको बताएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ, तो देखते भाई क्या आखिर ये बंदे क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन देंगे। पहुँचता हूँ, मतलब फ़ोन में नहीं बता सकते, मिल करके ही बताते हैं। पहुँच चुका हूँ जगह पर, ड्राइवर ब्रो चलिए रुकिए अंदर निकलिए, अगर वहीं पर बता देते तो मेरे को इतनी दूर नहीं आना पड़ता, काफ़ी दूर होता है यार FIU स्टेशन, थक जाता है बेचारे ट्रेवर आते जाते ही। तो ठीक है पता करते हैं। भाई चाचा जी कैसे हो? ओके ब्रो बोलिए, क्या दिक्कत है, क्या इन्फॉर्मेशन? देख भाई कुछ काम की तो बताना, तूने मेरे को फ्री में थकाया यहाँ पर बुला करके, अब बोल क्या हुआ? बंदा बोल रहा है ट्रेवर सर आना वेस्ट नहीं होगा आपका, प्रोमिस करता हूँ मैं। फिलहाल आपको पता ही है आप डिसिप्लिन वाले बंदे को धीरे धीरे मार रहे हो, ये मेरा बंदा है इसको सब पता है। तो मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर सर आपको पता ही है हर एक डिसिप्लिन वाला काफ़ी पैसे वाला बंदा है, हर एक बंदा अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाता है, और जब भी लॉस एंजेलिस में आते तो अपनी गाड़ियों को साथ भी लेकर के आते हैं। तो मैंने बोला कहना क्या चाहता है भाई? तो बंदा बोल रहा है ट्रेवर सर बंदे तो आएंगे तब आएंगे जब मेरे को पता नहीं है, बट उनकी गाड़ियाँ पहुँच चुकी है कार्गो प्लेन, मतलब शिप से, बहुत बड़े बड़े शिप जो डॉक साइड पर खड़े हैं वहीं पर उनकी गाड़ियाँ पहुँच चुकी है, और थोड़ी देर में उनको बंदे लेकर के भी चले जाएंगे, बट इससे पहले ट्रेवर सर उनको लेकर के जाए आपके पास चांस है उनको दी एंड कर दो। मैंने बोला मैं नमूने तू तो बड़ा ही खूंखार दिमाग का बंदा है सच्चे भाई, चलिए करते हैं दी एंड, अब आएगा असली मज़ा।
गाड़ियां अपने साथ लेकर के चलते हैं डिसिप्लिन वाले बंदे और उन्हीं में घूमते हैं। चलिए मैं घुमाता हूँ इनको गाड़ियों में, इनकी गाड़ियां सारी ब्लास्ट करूंगा। पहले बंदे मारने पड़ेंगे डॉक साइड पर जाकर के, उसके बाद गाड़ियां ब्लास्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मजा आएगा भाई। जब बंदों को तकलीफ होगी तो मुझे मजा आएगा। मेरे बंदों को बस एक्सटेंड करके मारा ना, अब उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर। चलिए ब्रो आराम से चेक करते हैं। ड्राइवर जी ऊपर निकलिए। अपने बंदे बुलाए आपके बारे में? वाह भाई वाह, बंदे लगे हुए यहाँ पर, ध्यान इतना है इनका दूसरी तरफ है, देखा ही नहीं कि ड्राइवर आ गए यहाँ पर। आओ मेरी आर्मी, ऊपर शिकार है, शिकार करो। कैसे डर गए नमूने, हमें मारेगा। इतना दम आया तुझ पे, सीधा इतना किया जाएगा कि इतना तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये लेट ड्राइवर ब्रो, मार इसको भी, मारो 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 फटाफट से मारो। मैं ऊपर निकलता हूँ, मैं गाड़ियाँ चेक करता हूँ, तुम जरा बंदों को देखने में काम करो अपना। मेरे को गाड़ी ढूंढनी है, मेरे पास और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बाकी इस चीज़ को मेरे प्यारे बंदे ढूंढ निकालेंगे। ड्राइवर ब्रो थोड़ा आगे, ओके बहुत बढ़िया, इधर कोई नहीं है। एक सेकंड, ड्राइवर इधर से निकल के इधर पहुँच जा ब्रो। तो सामने भी कुछ बंदे हैं जो शायद से मेरे ऊपर ध्यान उसका गया नहीं है, बट अभी जाएगा। ये देखो बेचारा फैल गया, सो सॉरी ब्रो। होता है भाई ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। और ये ले बैठे, कैसी लगी? बहुत दूर था इसलिए भाई अपना माउस थोड़ा इधर उधर हो रहा था। तो चलिए सामने एक और बंदा भाग रहा है, इसको भी सीधा कर लेंगे। ये लीजिए चाचा, ये भी खत्म हो चुका है। फिर भी गोली लग गई इसके, तो मैंने तो इसकी तरफ की भी नहीं थी और ये खुद ही गोली के ऊपर कूद गया। लेवल ही अलग होते हैं कुछ बंदों के। तो फिलहाल कुछ बंदे मेरे पीछे आ रहे हैं, आते रहे भाई आते रहे। वाह भाई वाह, इनकी मैंने एक बात नोट करी है हमेशा, कुछ गार्ड तो जाते हैं बाकी टारगेट को ख़त्म करने के लिए, और एक दो बंदा हमेशा मेरे साथ चलता है ताकि ट्रेवर भाई को दिक्कत ना हो जाए, मेरे पीछे ही भागता रहेगा परमानेंट। अमेजिंग लेवल का नमूना है। तो ठीक है, पहुँचता हूँ भाई ऊपर की तरफ, क्योंकि बंदे ने बोला था कंटेनर्स के ऊपर ही मिलने वाला है। अभी एक दो दिन पहले तो यहाँ पर आया था, पता नहीं क्या करने आया था, शायद से मैं डायमंड देखने आया था। हाँ, लास्ट एपिसोड में जब मैं डायमंड्स देखने आया था तो मेरे को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया गया था नकली डायमंड दिखा करके उन बंदों ने, दोनों जुड़वा भाइयों ने। कोई बात नहीं, भूलूंगा नहीं मैं उस चीज़ को, उनका बदला तो मैं आराम से लूँगा। ट्रेवर जब मारो, ओके फाइनली गाड़ी मिल गई, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत पड़ी भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। काम करते, सभी गाड़ियों को ब्लास्ट करने का सबसे शॉर्ट तरीका है एलियन गन। एलियन गन आइए, गाड़ियों को लेकर के जाइए। परफेक्ट, ख़त्म हो चुके फाइनली। और ये लीजिए भाई, अरे रे 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 रे, सो सॉरी गाड़ियों, तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट तुम जिनकी हो ना उनसे मुझे दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फाइनली सभी गाड़ियों को मैंने दियांड कर दिया। लगता है कुछ बंदे ऊपर भटक रहे हैं गाड़ियों को देख रेख करने वाले। किस्मत इतनी बंदे अच्छी है, मतलब बंदों को अच्छी है, मैं नीचे गिर गया भाई। ओ भाई यार, सच्ची में कभी कभी तो बंदों की साथ दे जाती है किस्मत। चलिए छोड़िए, खैर अब बंदे बच गए तो बच गए, बाकी मेरे गार्ड सभी को मार देंगे। तुम पहुँचो भाई। चलिए मैंने गाड़ी ख़त्म करने का काम किया था, गाड़ी ख़त्म हो चुकी है फाइनली। बंदे जो दो चार दिखते हैं उनको मारो, बाकी मैं देखता हूँ। तो फिलहाल गाड़ी भाई यहाँ वहाँ उड़ गई है, जितनी भी सारी डैमेज हो गई है। ज़्यादा गाड़ी बुगाटी थी, इसका मतलब सारे बंदे एक दूसरे की नकल करते हैं और बुगाटी चलाते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ट्रेवर ब्रो निकलिए, चलिए। तो ठीक है, देखते हैं भाई, ये रहे बंदे। ओके यहाँ पर भी बंदे हैं, बहुत सही है भाई, यहाँ पर भी बंदे हैं, मतलब कि गाड़ियाँ हैं, बंदे बता रहा हूँ मैं। गाड़ी सारी ब्लास्ट हो चुकी है, गाड़ियों के हिसाब से भाई कितनी गाड़ी उतरे डिसिप्लिन के बंदे मेंबर मतलब। तो इसका मतलब शहर में 15 से 20 मेंबर्स पहुंच चुके हैं। गाड़ी देखो, ये तो आए नहीं है फिर आने वाले हैं, क्योंकि गाड़ियाँ तो आ गई है ना। चलिए मज़ा आएगा, आने तो जितने आएंगे, ड्राइवर कोई कम नहीं है, आ जाने तो मज़ा आएगा। निकलता हूँ, मेरे पास कुछ बाला वाले बंदों का फ़ोन आया, मेरे प्यारे भाइयों का। आजकल तो मेरे भाई है भाई वो, अब तो मज़ा आएगा। तो उन्होंने बोला है, ड्राइवर सर कुछ बॉयज़ मिसिंग है हमारे, दरअसल हम लोगों ने तलाश करने के लिए भेजा था, बस का एक्सीडेंट किसने करवाया कैसे करवाया, तो हमने कम से कम 100 मेंबर्स भेजे थे, तो उस 100 के 100 ड्राइवर सर मिसिंग है। 100 बंदे बहुत होते हैं यार, 100 के 100 बंदे मिसिंग। तो उनकी लास्ट लोकेशन जो है ना, गुफा पर दिखा रही है, वही अभी जो माइन है जहाँ पर भूत वगैरह मिल जाते थे बहुत टाइम बाद, तो वहीं पर उनकी लोकेशन आ रही है। जा करके चेक तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। ड्राइवर भाई निकल, तो पहुँचता हूँ भाई जल्दी से जगह पर, लेट नहीं करेंगे। पहुँच चुका हूँ भाई मैं लॉस सैंटोस की उसी खुफिया माइन पर, जहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों की लास्ट लोकेशन मिली थी। लगता है मुझे मेरे सारे बंदे मार के यहीं पे तो डाल दिए, फिर उनको बंद करके रखा है, जो भी हो तो पता लग जाएगा। ड्राइवर तोड़ इसको फटाफट से। ये लीजिए चाची जी, कैसा लगा? तो फिलहाल भाई बंदे हुए तो दिख जाएंगे। ड्राइवर यार ज़रा अपनी प्यारी प्यारी गन निकाल ले, ये वाली एक है, और इसकी लाइट ऑन कर ले परफेक्ट तरीके से। फिलहाल यार मैंने फ्लैश लाइट इसमें लगवाई थी, कमाल हो गया भाई, कमाल ही हो गया, काम ही नहीं कर रही। वाह भाई वाह, फिर कौन सी वाली गन में थी? एक लाइट मतलब किसी ना किसी में तो मैंने फ्लैश लाइट लगवा के रखी थी। पिस्टल में चेक करता हूँ, पिस्टल में तो होगी। हाँ भाई पिस्टल में है, मैंने लगवाई तो थी, मेरे को याद है। चलिए खैर, कम से कम पिस्टल की फ्लैश लाइट काम आ गई है, इतनी रोशनी में भी काम चल जाएगा। ड्राइवर आगे निकल, आगे निकल। ओके भाई फिलहाल काफ़ी मतलब सुनसान एरिया है, एक सिंगल बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को यहाँ पर।
गोली मस्त चलती है, पिस्टल भी, बट रिकॉइल बहुत ज्यादा है। नहीं रिकॉइल ज्यादा नहीं है, ट्रेवल हिलाता गन ज्यादा है। देखो ट्रेवल की गन ज्यादा हिल रही है, बट सामने पॉइंट डॉट जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल नहीं हिल रहा, गन हिल रही है सिर्फ, डॉट तो बहुत मुश्किल से मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हिल रहा है, ज्यादा नहीं हिल रहा। चलिए जल्दी से निकलता हूँ, ट्रेवल आगे निकल। अरे भाई आपको याद है ये बंदे की डेड बॉडी पहले मेरे को यहीं पर मिली थी और आज फिर से ऐसी पड़ी है, ये क्या मिस्ट्री है यार इस बंदे की। और इस टाइप का बंदा मैं पहले ही मार चुका हूँ, ये क्या बदतमीजी है। ये ले बेटे क्या आइटम है यार ये, जो भी है पता करना पड़ेगा। सच्चे खून निकला इसमें से, तो मैं तो मजाक सोच रहा था भाई कि ऐसे किसे डाल दी होगी यहाँ पर ये बॉडी। अब जो भी था बाद में देख लेंगे इसको, फिलहाल आगे निकलता हूँ। इसकी मिस्ट्री मेरे को सॉल्व करनी पड़ेगी, क्या ड्रामा था, कौन था। मुझे लगता है भाई खाली है माइंड, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ये चबूना कौन है, मैं भेजता हूँ कुछ बंदों को पता करते हैं आखिर ये हर बार माइंड में मेरे को क्यों मिलता है, क्या इसका नाम है। पहले ये एक बंदा आया था इस टाइप की शक्ल का, बहुत टाइम पहले से बात हो गई, इसको कम से कम 2 साल हो गए होंगे, बहुत पुरानी बात है। अब चेक करता हूँ मेरे 100 वाला बंदे कहाँ हैं, बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया। ट्रेवर निकल, टेक्नो को बोलता हूँ। बहुत सारे बंदे फिर से मिले हैं भाई, वही बंदे, ऐसा लग रहा है टेक्नो ने तो यही बोला कि ट्रेवर ये वही बंदे शायद से जिन्होंने 100 बंदों को किडनैप कराया। तुरंत पहुंच जा ओल्ड स्कूल पर, बहुत बंदे वहां पर रुके हुए हैं, वो तैयारी ये कर रहे हैं और तलाश में, जैसे ही उनको ऑर्डर मिलेगा एकदम से तुम्हारे ऊपर एकदम से खुला अटैक करेंगे। इससे पहले ट्रेवर अटैक करने के लिए आए, पहले तू पहुंच जा मेरे भाई, मैंने बोला चिंता ना कर जा रहा है तेरा भाई, पहुंचता हूँ भाई। चलिए पहले इन्हीं का नेता बनाना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल ये बहुत फेमस जगह है बंदों के रहने की, मीटिंग की बहुत काम वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो बहुत सुनसान एरिया है, वहाँ पर बहुत टाइम पहले स्कूल हुआ करता था, किसी हादसे की वजह से वो स्कूल बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसलिए वहाँ पर जगह खंडर हो गई है। और आपको बताया एक बार किसी जगह को लेकर कोई अफवाह उड़ जाती है ना, तो उसको जल्दी से कोई खरीदता नहीं है, बंदे सोचते हैं अपशगुन हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे बंदों की अलग अलग सोच होती है, तो बंदे फिर उसको लेते नहीं है। एक बार अगर किसी जगह से कोई बैकग्राउंड जुड़ जाता है तो उस प्रॉपर्टी के ऑलरेडी आधे रेट तो कम हो ही जाते हैं, ये है भाई हिसाब, ऐसे चलता है। पहुँचता हूँ, पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर अपने कुछ प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदों के साथ में। अरे पिगी कहाँ से आ गया मौके पर, अबे निकल यहाँ से नहीं तो बहुत खतरा होने वाला है अभी यहाँ पर। फिलहाल बंदे ओके मेरे को दिख गए, चंपू दो चौ चौ, ये लो बेटो आया मजा, सीधा किया जाएगा बिना किसी चक्कर के। चलिए मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदे, इनको थोड़ा शांति से प्यार से समझाएंगे कि ट्रेवर से पंगा लोगे तो बुरा होगा, और इतना बुरा होगा कि पता नहीं भाई क्या बताऊँ मैं। चलिए खैर बंदों को सीधा करने दो, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे सब कुछ संभाल लेंगे। पता नहीं कौन से जगह का एक झंडा है भाई ये लॉस सैंटोस का फ्लैग नहीं है, देख रहे हो कौन सा टाइप का फ्लैग यहाँ पे बंदों ने लगा करके रखा हुआ है, अमेजिंग। तो इसका तो जहाँ के बंदे हैं ना वहीं का फ्लैग लगाया ना ने। अरे यार कहाँ टक गया ट्रेवर ब्रो, निकल यहाँ से फटाफट से। तो चलिए देखता हूँ कितने बंदे हैं, कौन कौन है, मारो 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 मारो, ढूंढ ढूंढ के मारो जल्दी से नमूनों को, जहाँ पर भी छुप करके रखे। इसको देखो कैसे चल रहा है, इंडी बाजार के चोर, दिखा नहीं तेरे को ट्रेवर यहाँ पर घूम रहा है। तो चलिए भाई उतर के मैं भी 2-4 बंदों को ढीला कर ही लेता हूँ, मेरे प्यारे बंदे कब तक बंदों को मारेंगे, 2-4 बंदों को तो मारना हमारा भी बनता है। तो फिलहाल चलिए ट्रेवर ब्रो आगे निकलिए, ये साइकिल में चला सकता होगा, हाँ शायद से ट्रेवर साइकिल ले ले ब्रो, बढ़िया भाई बढ़िया, अमेजिंग यार सचिव साइकिल चलाए बहुत टाइम हो गया यार सचिव ट्रेवर को। ये ले बेटे ट्रेवर एक नंबर है भाई, बट स्पीड देख रहे हो आप कितनी घटिया है, बहुत घटिया स्पीड है सचिव यार, बहुत ही अजीब है। वैसे मानता हूँ मैं ये बहुत स्लो चला रहा हूँ इसलिए आपको घटिया लग रही होगी, नहीं तो ये बहुत तेज चलेगी अगर मैं खड़ा होकर के चलाऊँ साइकिल के नॉर्मल स्पीड है। ट्रेवर खड़ा होकर भी चला सकता है इसको, बट जरूरत नहीं है, क्या जरूरत पड़ रही है। तो ठीक है ट्रेवर ब्रो उतरिए जल्दी से, सारे सारे काम हो चुका है, फिलहाल कोई बदतमीज है क्या, सारे बंदे खत्म, अमेजिंग हम लोगों ने बदला ले लिया। चेक कर दो पूरे एरिया, हमारे बाल वाले बंदे यहाँ पर है नहीं है, पता लग जाएगा। फिलहाल भाई हाईवे से बहुत सारी बाइक्स जा रही है, मेरे को टेक्नो बोल रहा है ट्रेवर उनके ऊपर अटैक मत करना, बंदे सारे ही मेरे को लगता है डिसिप्लिन वाले बंदे हैं, बट तो ज़रा बस उनको फॉलो करो और चेक करो बंदे कहाँ पर जा रहे हैं, चेक कर क्या चल रहा है। मैंने बोला ठीक है जाता हूँ, मुझे लगता है शायद से वो बंदे कहीं ना कहीं जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, जो भी है वो तो हम लोग देख लेंगे। ट्रेवर ब्रो पहुँचो 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 जल्दी से पहुँचो, हाईवे के एरिया की तरफ पहुँच चुका हूँ। बंदे बहुत सारे भाई जा रहे हैं बाइक्स पर, बहुत स्पीड से जाने में लग रहे हैं। बारिश का मौसम बनाया आज बड़े दिनों के बाद में, ये बारिश का मौसम है या फिर अंधेरा हो रहा है भाई, अंधेरा हो रहा है ये, इसी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है बादल देखो काले काले छा करके रखे हुए, अजीब लग रहा है एकदम बहुत ज़्यादा। फिलहाल चलिए इनको देखता हूँ ये कहाँ पर जा रहे हैं, पता लग जाएगा। ट्रेवर ब्रो पहुँचो 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 फॉलो करके, नहीं तो मारने का तो 1 मिनट लगेगी भाई आपको पता ही है, 2 मिनट में RPG मार के या फिर एलियन गन मार के बंदे ऊपर निकल पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। बट मैं अभी इनको देखना चाहता हूँ उनकी लोकेशन, क्योंकि टेक्नो चाहता है देख रहा कि बंदे जा कर रहे हैं, शायद से जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए अपने बॉसिस के पास,
बॉस मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो बॉस की गाड़ी बर्बाद करी है, अभी बॉस को भी बर्बाद कर देंगे। वेट करते हैं भाई थोड़ा देर और रुक जाते हैं, देखते कितना टाइम लगेगा इनको पहुँचने में। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ। फिलहाल सारे सारे बाइक वाले बंदे यहीं पर होकर के निकले, दोबारा से निकल गए। तो मैं यहाँ पर खड़ा था बहुत देर से, अब मैं चेक करता हूँ बंदे कौन है। भाई देखो दिखने से ये डिसिप्लिन वाले बंदे नहीं लग रहे, क्योंकि कपड़े वो एक ही जैसे पहनते सारे बंदे, सीनियर और जूनियर के हिसाब से उनकी ड्रेस चेंज होती है, बट ऐसा आउटफिट उनका नहीं है। अब ये कौन बंदे हैं ये तो मेरे को पता करना ही पड़ेगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, सारे अलग है भाई जैसे आप देख रहे हो। तो जो भी ये बंदे हैं इनके ऊपर नज़र है, मैंने बोल दिया टेक्नो को रखने के लिए। अब टेक्नो इनकी कुंडली मेरे को बताने वाला है। तो ठीक है बस मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा जितना काम था आज हो चुका है, सोते हैं कल ही कल देखते हैं। रही बात मेरे बंदे बाला वालों की पता लग जाएगा और इनके बारे में पता लग जाएगा, एक बार कंफर्म हो जाए डिसिप्लिन के बंदे उसके बाद इनका डिएंड करेंगे। कभी भाई मैं किसी गलत बंदे को मार दूँ इसलिए जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि इनके कपड़ों के हिसाब से मुझे लगता है कोई और बंदे हैं। डिसिप्लिन हमेशा कपड़े एक ही पहनते हैं जो उनको दिए जाते हैं, निकलते हैं पता तो लग ही जाएगा। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग तो ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सब्सक्राइब फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।